सखी कादंबरी, युवराज चंद्रपीठ तुम्हारे गुणों से वशीभूत होकर तुमसे प्रेम करने लगे हैं, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे। किंतु मुख्य बात यह है कि वो अब जाना चाहते हैं। अरे ये देखो, हमारे युवराज तो यहां है। प्रणाम युवराज। अच्छा हुआ मेघनाथ तुम यहां आ गए। चलो अब चलते हैं। चलिए युवराज। चलिए। महाराज, युवराज अपनी दिग्विजय यात्रा से वापस आ गए हैं। दिग्विजय युवराज चंद्रवीर की जय हो। दिग्विजय युवराज चंद्रवीर की जय हो। दिग्विजय युवराज चंद्रवीर की जय हो।
चंद्रपीर की जय हो। दिग्विजय युवराज चंद्रपीर की जय हो। आओ पुत्र, हम कब से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र, तुम्हारे बिना हमारी आंखें पत्थर बन गई थी। माते, यह अश्रुपात क्यों? आपका पुत्र आपके सामने खड़ा है। महामंत्री जी, आपका पत्र पाते ही मुझे यहां आना पड़ा, इसलिए मैं वैशंपायन जी को अपने साथ नहीं ला सका। मैं माता मनोरमा से क्षमा हेतु प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं आपके पुत्र को अपने साथ नहीं ला सका। तो उसे तुझ में ही देख रहे हूं पुत्र। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मित्रता ही उसका रक्षा कवच है। युवराज, देवी पत्र लेखा आना चाहती हैं। पत्र लेखा आने दो। पत्र लेखे विराजो। देवी महाश्वेता कैसी है? कादंबरी, पत्र लेखे, तर लेखे सब सुरक्षित तो हैं? युवराज, सब कुशल से हैं। देवी कादंबरी अपने मस्तक पर अंजलि पुट रखकर आपको प्रणाम करती हैं। पत्र लेखे, तो मुझे ये बताओ कि मेरे आने के बाद तुम वहां किस भाव से रही? देवी कादंबरी का तुम पर अनुग्रह कैसा था? वहां मुझे कौन अधिक स्मरण करता है? किसकी प्रीति मेरे प्रति अधिक है, बताओ मुझे। युवराज, आपके आने के बाद मैं देवी कादंबरी के साथ हंसपीठ पर बैठ गई। मैं अति प्रसन्न थी। हमारी प्रीति इतनी गहरी थी कि वो किसी अन्य को हमारे पास आने ही नहीं देती थी। एक दिन वो मुझे प्रमदवन में ले गई। वो मेरे इतने पास बैठी मानो हम एक हों। वो कुछ कहना चाहती थी किंतु शब्द होठों से नहीं निकल पा रहे थे। उनके मुख पर श्वेत बूंदें स्पष्ट दिख रही थी। उनकी अवस्था देखकर मैंने पूछा, देवी अपने मन के भाव को व्यक्त करें। इतना सुनकर वो एक शिशु की तरह रोने चीखने लगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। मैंने कई बार विनती की कि अपने हृदय में छिपे रहस्यों को बताएं। राजकुमार, जानते हैं तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पत्र लिखे, जब से मैंने तुझे देखा है तू ही मेरे सबसे अधिक प्रिय हो गई है। माता, पिता, सहेलियां
महाश्वेता, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी प्रियता में तेरे तुल्य नहीं है। आज मैं तुमसे अपना दारुण दुख जताकर अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मैं स्वयं पर लज्जित हूं, मैं अपने पवित्र हृदय तथा रूप को कलंकित कैसे होने दूं? गर्वित स्वभाव चंद्रापीर ने मुझे अनाथ एवं निंदा का पात्र बना दिया है। तू ही बता पत्र लिखे, क्या यह महान पुरुषों का व्यवहार है अथवा परिचय का फल है? क्या मेरे कोमल हृदय को इसे सहन करना चाहिए? पत्र लिखे, युवकों का युवतियों को इस तरह व्याकुल करना उचित नहीं है, क्योंकि कामाग्नि पहले लज्जा को जलाती है, पुनः हृदय को। तुमसे अधिक अन्य मुझे कोई प्रिय नहीं। पत्र लिखे, अब हम दूसरे जन्म में मिलेंगे। अब प्राण त्याग रूपी प्रायश्चित से अपने कलंक का प्राक्षालन कर लेती हूँ। देवी, युवराज चंद्रापीठ से क्या अपराध हुआ? क्या उन्होंने आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आचरण से आपके कोमल मन को खेद पहुंचाया? यदि ऐसा है तो पहले मैं अपने जीवन का त्याग करूंगी। युवराज, तब उन्होंने जो कहा, मैं आपका ध्यान उसी ओर ले चलती हूँ। शब्द उन्हीं के हैं, मात्र स्वर मेरा है। धूर्त कार्य में निपुण चंद्रापीड़ प्रतिदिन मेरे सपनों में तोता मैना के द्वारा मुझे संदेश भेजा करता है। निष्फल अभिलाषा से मेरे मन को मोहकर मेरे कानों पर निशान बना देता है। उसके प्रेम संदेश मुझे विवल कर देते हैं। उससे आकर्षित होकर मैं उसे उस बगीचे में ढूंढती हूँ जहां पर वो आया था। पुनः मैं भय से भागती हूँ। मेरा पल्लव लताओं में उलझ जाता है। मानो वही लताएं मुझे पकड़कर उसके सामने मेरा आत्मसमर्पण करा देती है। वह तुरंत मेरा आलिंगन करके मेरे स्तनों पर लताओं का स्पर्श कराता है, और जब मैं थक जाती हूँ तो अपने मुंह से मेरे मुंह में हवा भरकर मुझे प्रसन्न कर देता है। वह मेरे प्रेम में चैतन्यहीन हो गया है। पत्र लिखे, अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे रोकूं मैं उसे? पत्र लिखे, जानती हो, मैं उसे रोकती हूँ तो वो इसे ईर्ष्या समझता है, तिरस्कार को परिहास समझकर धारण कर लेता है। जब मैं नहीं बोलती हूँ तो वह स्वयं को अभिमानी समझने लगता है, यहाँ तक कि लोक निंदा को भी वो यश मानने लगता है। पत्र लिखे, यश मानने लगता है। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय सखी पत्र लिखे, इस नई घटना के समय मेरे लिए जो उचित हो तुम वैसा ही उपदेश दो, क्योंकि बड़ों की निंदा का पात्र बनने से अच्छा है मृत्यु का वरण कर लेना। देवी, कन्याओं के लिए वर चुनने का विधान होता है, इसलिए मरने का विचार त्याग कर आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी शपथ लेके कहती हूँ कि आप मुझे कोई संदेश देकर भेजिए, मैं जाकर आपके प्राण वल्लभ को ले आऊंगी। हाँ राजकुमारी, मैं अवश्य ले आऊंगी। पत्र लिखे, मैं क्या संदेश भेजूं? यदि मैं कहती हूँ कि आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं तो यह पुनरुक्ति होगी। यदि मैं पूछती हूँ क्या मैं आपकी प्रिया हूँ तो इससे निर्बोधता प्रकाशित होगी। मुझे आप पर अत्यधिक अनुराग उत्पन्न हुआ है, ऐसे वैश्याओं के कहने का क्रम है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, ये अनुभव के विरुद्ध है। कामदेव मुझे पीड़ा देता है, ये अपने दोष की निंदा करना है। कामदेव ने मुझे आपके हाथों में समर्पित कर दिया है,
ये तो उनके जाने का उपाय है। आप यहाँ पर अवश्य आइए, ये सौभाग्य का अहंकार है। ये दासी केवल आप में ही अनुरक्त है। ये निश्चय पूर्वक ना समझे गए विषय को जनाना है। आपके अस्वीकृति की भय से मैं संदेश नहीं भेज सकती। ये निश्चय पूर्वक ना समझे गए विषय को बताना है। मेरी मृत्यु मेरे प्रेम की महानता प्रकट कर देगी। ये एक अर्थहीन विलाप है। भूषण, तुम्हारे पिता श्री बाण भट्ट जी ने उपजाऊ भूमि में बीज तो बो दिए हैं और उसकी सिंचाई भी अच्छी तरह से कर दी है। केवल स्वादिष्ट फल लगने ही शेष थे। दुख की बात यह है कि वो अब नहीं रहे। भूषण, अब तुम कादंबरी को आगे कैसे बढ़ाओगे? मुझे गर्व है कि मैं पूजनीय बाण भट्ट जी का पुत्र हूं। मैं उनके वचन प्रवाह को नमन करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने अद्भुत स्पर्श का मुझे वरदान दें। पूज्य, यदि यह उपन्यास उसी भावना से समाप्त होता है तो इसमें मेरे पूज्य पिता के आशीर्वाद का फल होगा, न कि मेरी लेखन प्रतिभा का। यदि इस समय कुमार मेरे समक्ष आ जाए तब भी मेरी लज्जा मुझे उनके दर्शन नहीं करने देगी। अपने सभी प्रयासों के बाद भी यदि अपने बड़ों की इच्छा एवं शासन के उत्तरदायित्व के कारण वो मेरे पास ना आ सके अथवा मेरे स्नेह के कारण मेरी प्रिय सखी तो उनके पैरों पर गिरकर भी उन्हें यहां पर ना ला सकी, तब तो कुछ बात ही नहीं बची। कोई बात ही नहीं बची, कोई बात नहीं। वो पाषाण हृदय नहीं है जो मुझे भंवर में छोड़कर चले जाए। उन्हें शासन, धन, प्रसिद्धि, किसी भी वस्तु की ना कोई इच्छा है और ना ही अभिमान। वो तो सदैव मेरे सोते, जागते, उठते, बैठते, बिछावन और सपने गृह सरोवर में सदैव मेरे साथ रहते हैं। वो हाँ, मेरे साथ रहते हैं। वो मेरे साथ रहते हैं। मेरे साथ रहते हैं वो। इसलिए मैं उन्हें बुलाने के लिए क्यों कहूं मैं उन्हें बुलाने के लिए क्यों कहूं मैं उन्हें बुलाने के लिए क्यों कहूं मैं उन्हें बुलाने के लिए। देव, क्या आप नहीं जानते कि प्रियतम को स्वप्न में देखना विरह में प्राणावलंबन एवं विनोद स्वरूप हुआ करता है? युवतियों और कुलंगनाओं के जीवन में वही एकमात्र आश्रय है कि कुमारी होते हुए भी रमणीय समागम तथा स्वेच्छाभिसार सुख भोगा जा सकता है। ऐसे मानसिक सुख में ध्वनि रहित चुंबन, आलिंगन इत्यादि संकल्प में प्रीतम को ना अंधकार छुपा सकता है और ना ही कुहासा ढक सकता है।
उस व्याकुलता को ना देख सकी। मैंने उनसे दुख का त्याग करने को कहा। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं जाके युवराज चंद्रापीठ को ले आऊंगी। ऐसा सुनते ही उन्होंने ऐसे आंखें खोल दी जैसे विष मूर्छित मनुष्य विषापहरण से आंखें खोल देता है। उन्होंने कहा, मैं अब तक जीवित हूं तो केवल तुम्हारे कारण। पत्र लिखे मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे अच्छा लगता है। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम उन्हें ला सकती हो और यदि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ, अपनी रुचि के अनुसार काम करना और सफल होके आना। ऐसा कहके उन्होंने अपने सभी आभूषण तथा अलंकार मुझे देकर भेजा। वास्तव में वो महान है, उसका हर शब्द मित्रता के भाव से भरा हुआ है। कितना कोमल किंतु कितना कठोर, साधारण पर बुद्धिमानी से भरा हुआ। मैं मूढ़ हृदय इस बात को नहीं समझ सका कि कादंबरी किस प्रकार कामदेव द्वारा प्रताड़ित हो जाने को विवश है। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था जब उसने मेरे गले में हार डाला था। क्या हो गया था मेरे मन को जो मैं इस बात को नहीं समझ सका। किंतु मैं अपना जीवन दांव पर लगाकर उसे बता दूंगा कि मैं निष्ठुर हृदय नहीं हूं। मैं निष्ठुर हृदय नहीं हूं। मैं क्या करूं पत्र लिखे, इधर माता उधर प्रेमिका। क्यों युवराज? ये मेरे नहीं, मेरी राजमाता के आंसू हैं। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? पत्र लिखे मैं अपनी माता को कैसे सांत्वना दूं? मैं आज भी उनके लिए घुटनों के बल चलता हुआ शिशु हूं। क्या सैकड़ों कादंबरी मेरी मां के समकक्ष होंगी? नहीं, कभी नहीं। किंतु ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे कादंबरी की ओर खींच रही है। ये उसकी तपस्या है या इच्छा शक्ति का नियंत्रण? किंतु मैं अपनी माता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी माता ने कितने कष्टों को भोगने के बाद मुझे जन्म दिया है। आइए युवराज, राजमाता के कक्ष में चलें। ओह, तो तुम भी इतनी बड़ी हो गई हो। माँ माँ
इस शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रह गया आजकल। अंततः मां है क्या? ऐसा मत कहो मां, कृपया ऐसा मत कहो। आपकी एक आह भरी सांस हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। क्या तुम्हें पता है, एक पुत्र को पाने के लिए मैंने कितने देवताओं को पूजा था। जिस किसी ने भी जो कुछ भी करने को कहा मैंने किया। मैंने कितनी रातें चंडिकालिया में बिताई, वहीं घास पर सोई। क्या तुम जानती हो, ग्वालों की गलियों में, गायों के बीच मैंने कई दिन स्नान किया, तांत्रिकों की मंडली में बैठकर देख बलि दी, हीरे के कटोरे में दही चावल रखकर गायों को खिलाने हेतु पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की, गोरोचन में लिखा भोजपत्र अब भी मेरे पास है। कृपया बताओ, अपने पुत्र को सदैव अपने पास रखने हेतु मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा? माते, मैं सदैव ही आपके साथ रहूंगा, ईश्वर की शपथ, मैं आपके पास ही रहूंगा मां। सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। तन के सुख में जीवन बीता, मन को प्रेम ही पा।